दिल्ली पुलिस ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के कथित आतंकवादी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। उस पर 2 लाख रुपए का इनाम था। जिला शुल्क नियामक समिति के फैसले को न मानने पर गाजियाबाद की जिलाधिकारी ने 3 बड़े स्कूल पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जिलाधिकारी की ओर से इन स्कूलों को नोटिस भेजे गए थे, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली मेट्रो के शंकर विहार और आईजीआई टर्मिनल 1 खंड के बीच तकनीकी खराबी की वजह से मंगलवार को पूरी मजेंटा लाइन पर सेवाएं प्रभावित हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1996 में हुई प्रियदर्शनी मट्टू के रेप और मर्डर केस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी संतोष कुमार सिंह को एलएलएम की परीक्षा में बैठने के लिए मंगलवार को 3 सप्ताह की पेरोल को मंजूरी दे दी। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मीम बनाने के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजी गई बीजेपी की नेता प्रियंका शर्मा को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। केंद्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ प्रतिबंध 5 और साल के लिए तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 88 पर दोबारा मतदान होगा। चुनाव आयोग ने 19 मई को बूथ संख्या 88 पर फिर से मतदान कराने का फैसला किया है। पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती का सिलसिला लगातार 6ठे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत पे दिल्ली कोलकाता और मुंबई में 25 पैसे जबकि चेन्नई में 26 पैसे प्रति लीटर घटा दी है। वहीं डीजल के दाम में दिल्ली और कोलकाता में 12 पैसे जबकि मुंबई और चेन्नई में 13 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। भारत की जीएस लक्ष्मी आईसीसी मैच रेफरी के अंतरराष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई हैं और वह तुरंत प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय मैचों में अपनी सेवाएं दे सकती हैं। दूसरे राज्यों से ओबीसी श्रेणी में केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा पास करने वाले युवक दिल्ली में सामान्य श्रेणी में भी शिक्षक बन सकते हैं। यह 7 युवाओं की लंबी कानूनी जंग के बाद संभव हुआ। 4 साल तक चली कानूनी जंग के बाद DSSSB ने इन युवाओं को नौकरी देने का रास्ता साफ कर दिया है। ये है DID में खबरें अब तक। इंतजार कीजिए कल तक।